इंदौर की 15वीं बटालियन परेड ग्राउंड शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन, सांसद शंकर लालवानी, एडीजी वरुण कपूर सहित पुलिस जवानों ने शहीद पुलिस कर्मियों को सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में इंदौर के 15वीं वाहिनी परेड ग्राउंड शहीद स्मारक पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरी पुबल के एक छोटे से कश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 कैरी पुबल के रणबांकरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके बाद हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इंदौर में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने शहीद जवानों को सलामी दी। इस दौरान इंदौर के पुलिस जवानों ने पारंपरिक परेड कर अमर ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूरी प्रदेश सरकार अमर शहीदों के परिवारों के साथ है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो सलामी की जो तैयारी की गई थी पुलिस स्मृति दिवस पर, शानदार तरीके की जो परेड की गई है, अच्छी सलामी दी गई हमारे शहीदों को, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जो सभी राज्यों के जो पुलिस जो शहीद हुए हैं उन सबको आज हम लोगों ने जो श्रद्धांजलि दी है और अच्छी श्रद्धांजलि रखी गई है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मतलब अच्छी परेड रखी गई है। हमारे इन सभी शहीदों को मैं आज मेरी तरफ से तथा मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सभी, हमारी पूरी सरकार और मध्य प्रदेश की जनता हमारे इन अमर शहीदों के परिवारों के साथ में हैं और हम ऋणी हैं इन परिवारों के, और हम उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन सभी शहीदों को हम स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में पहुंचे, जिन्होंने शहीद हुए जवानों की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद लालवानी ने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहीद पार्क बनाया था, जिसे अगर पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय लेता है तो शहर के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। देखिए, आज के दिन 1959 में, आज के दिन 1959 में लेह क्षेत्र में चीन के हमले से हमारे पुलिस जवान की मौतें हुई थी, और तभी से पुलिस विभाग पुलिस स्मृति दिवस शहीद दिवस मनाता है और देश के हर क्षेत्र में बनते हैं। और ये हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है कि इस वर्ष के दौरान जितने भी पुलिस विभाग के जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। और इंदौर में भी ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, मैं प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ और जो जवान इस वर्ष शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आता हूँ। वास्तव में
हम सबको जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और जो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं शहर की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है आज के दिन हम देने यहाँ आते। इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी पूर्व में शहीद पार्क बनाया था और वो शहीद पार्क में आज मैंने गृह मंत्री जी से बात की है कि जिस प्रकार हमने उस शहीद पार्क को बनाया था उस वो काम लगभग पूरा है, लेकिन उसको हमने ये बात उस समय कही थी कि BSF या IAS या पुलिस विभाग उसको ले ताकि उसको वो चला सके। आज गृह मंत्री जी ने कहा मैं खुद उसको देखूंगा और बहुत अच्छी चीज़ है अगर शहर में शहीद पार्क बनाए और उसका संचालन अगर पुलिस विभाग करती है तो मैं कोशिश करूंगा, और उन्होंने स्वयं उसमें रुचि दिखाई। मुझे लगता है इंदौर का जो शहीद पार्क बन के खड़ा हुआ है उसको पुलिस विभाग गृह मंत्रालय लेगा तो शहर के लिए एक और उपलब्धि रहेगी आज के दिन। कुल मिलाकर चीन के हमले में शहीद हुए पुलिस जवान आज भी देश के लोगों के दिलों में जिंदा है और हर साल 21 अक्टूबर को उनकी बहादुरी को पूजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।